रुक जाइए अभी, इसमें लगाइए, इसमें 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 लगाइए ना, इसमें लगाइए, हमको अपना काम करने दीजिए। ठीक है, चार बार खोलना पड़ेगा। तार पलटिए, तार पलट कर भाई पलट लीजिएगा, ऐसा करिए ना, इसमें देखिए ना, इसमें इसमें पलट देखिए, इसमें चलिए, इस वाला में देखिए ना आप, अब तार लाल लगा, इस साइड रहिए, तार लाल लगाइए, कौन सा गर्म है देखिए, बाजे 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 वो साइड वाला गर्म है, कौन सा गरम है, लगाइए पहले, लगाइए लगा, उलट देंगे वो तो उलट जाएगा, चलिए ठीक है, ठीक है ना, सही आ रहा है, ठीक है, सही से लगाइए, सही से लगा, कहीं और निकाल कर कुछ तो कखन कहीं रखे सोचे पलक लाइज बने के रखे लगा दे, सही से लगाइए, लाइन नहीं आया अभी, पहले निकाल लो, निकाल फिर हिल जाए, फिर निकालना करे के बाद नहीं, सही से लगाइए, वही नहीं बाइक के बेस काम नहीं कर रहा है, फ्रेश ना वो करवा, हाँ इसको इसे इतना पतला कीजिएगा तो आएगा, ये इतना पतला छीले हैं तो ये आएगा, कटा रहा है, इसको घुमा लेते हैं, इसको इसमें लगाते हैं, इसको इसमें लगाते हैं, चलिए ये देखिए सही आ रहा है लाइन अभी, ठीक है ना, दाएं दाहिने वाला में आ रहा है फेज, ठीक है ना, देखिए हो गया ये, इसमें देखिए इसमें अभी करंट आ रहा है ना, ठीक है, इसमें करंट अभी आ रहा है, तो लगाइएगा तब ना, ठीक है, अब इसको निकाल रहे हैं, देखिए इसको निकाल लिए, इसमें लगाइए, इसमें लगा दिए, सही लगा है लाइन, अब देखिए आ रहा है, अब इंडिकेटर में लाइन नहीं आ रहा है, ये बोर्ड था उल्टा, ठीक है, इसमें जो है इसको मैंने चाहिए गर्म, इसको में आ रहा है ठंडा, इसमें आ रहा है गर्म, यानी उल्टा यहाँ पे आ रहा है लाइन, अभी सीधा यहाँ से करके लगा है, ठीक है, ये वाला बोर्ड में सीधा लाइन आ रहा है अभी, हाँ देखिए अभी यहाँ देखिए एकदम सही लाइन आ रहा है, दाहिने में आपका आ रहा है फेज, न्यूट्रल में आपका न्यूट्रल बता रहा है, अब एकरा में उल्टा हो रहा है, देखिए एकरा में आ रहा है इसमें न्यूट्रल, इसमें आ रहा है फेज, तो इसलिए लाइन इसमें आ रहा है, पलट देंगे उसका, हाँ देखिए यहाँ पे पलट के भी लगाओ है ना तार चेक करने के लिए, देखिए यहाँ पे सही हो गया, यहाँ लाइन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, चालू कीजिए कूलर, देखिए हल्का हल्का आ रहा है ना, ये जो चालू होने पे ही आएगा, बंद कीजिएगा तो नहीं आएगा, इसको ग्राउंड कर दीजिएगा तो नहीं आएगा, ठीक है ना, जब चालू कर रहे हैं तो यहाँ पे लाइन देखिए आ रहा है हल्का हल्का, ये आ रहा है लाइन ना, तो ये जो पलक है ना, ये जो पलक है ये बॉडी ग्राउंड है, ये बॉडी से कनेक्ट रहता है, क्या समझे, इसको ग्राउंड कर दीजिए, इसको बोल्ट को खोल के तार को सीधा कीजिए, प्रॉपर तार अच्छा से पहले लगाइए, तार तार एकदम टेम्प्रोरी लगाए हैं आप लोग, ऐसे लाइन तो नहीं मारेगा, ये नुकसान नहीं करेगा आपको, हेवी तार चाहिए आपको क्या, तार हेवी का, इसको परमानेंट कर लीजिए, जो बताया मैंने, हाँ ये जो है ना इसको खोल के दाहिने दाहिने साइड हो जाना चाहिए गरम, दाहिने इसको कर देना है, ठीक है, इसमें दाहिने में हमको फेज आना चाहिए, और ये जो ऊपर वाला जो है ई वाला ई होता है बॉडी से कनेक्ट होता है, क्या समझे, मोटर में जो एडी करंट बनता है फॉल्स करंट, उसको यहाँ से डिस्चार्ज होता है, इसको जो है इसको मैं तार अंदर खोल के सॉकेट में तार को निकाल के उसको कहीं जमीन में है ना माटी
कहीं भी मटी घर है काम कर जाएगा आपका, एक फिट रड गाड़ के दिक्कत नहीं होगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। एक एकरा में तार ज्वाइंट करके इसको निकाल लीजिएगा बाहर ऊपरला में, अब पतला तार, अब माटी का घर है यहाँ पर रड गाड़ के एक फिट का जो है उसको मैं कनेक्ट कर दिएगा, उसके बाद लगाइएगा आपको कभी नहीं आएगा। जो भी जो बॉडी का जो करंट होगा ना वो इसके पलक के थ्रू आपका डिस्चार्ज हो जाएगा जमीन में, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। समझ गया ना? ये तार पर भी लाइन ऊपर से आ रहा है, इसका क्या कारण है? कच्ची ऊपर पे लाइन आ रहा है, ये भी बता रहा है फाल्स। हाँ तो नमी के चलते आ रहा है वो, हाँ सब नमी के चलते आ रहा है, उसका कोई बात नहीं, बरसात में अभी नमी है, लेकिन लाइन नहीं मारेगा आपको, नहीं मारेगा, फॉल्स करंट है वो, फॉल्स करंट है वो, हाँ फॉल्स करंट है वो, लाइन आएगा हल्का हल्का लाइन आएगा वो, फॉल्स करंट है, कोई दिक्कत नहीं है उसे। लेकिन ये जो चीज़ बता दी ना कूलर में, इसको कर लीजिएगा, अगर हालांकि इसमें नहीं भी कीजिएगा तो लाइन नहीं मारेगा, जब तक जमीन सूख जाएगा आपका लाइन जाना बंद, लाइन आप बताना बंद। जैसे कूलर का है पानी का चीज़ है, लाइन आएगा यहाँ, क्योंकि मोटर में हल्का हल्का नमी हो जाता है, क्योंकि कूलर के अंदर जो है ना ठंडा होता है, हवा जो होता है ना ठंडा हो जाता है एकदम बहुत ज़्यादा, पानी का चीज़ है इसलिए, इसलिए इसको जो है ग्राउंड कर लीजिए, पलक जो है पलक में इसका जो पॉइंट है ऊपर वाला में तार लगा के उसको मोटे कर लीजिए, हाँ ज्वाइंट करके उसको जमीन में एक फिट कर रड गाड़ के, चाहे कुछ इतना बड़ा रड उड गाड़ के कर लीजिए, उसको ज्वाइंट कर दीजिए, आईडी कार्ड गैप हो जाएगा आपका, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा।